मेरी लोटस एल्बा वाइट स्वीट क्लोवर या स्वीट सेंटेड क्लोवर बोलते हैं, लेगुमिनेशी फैमिली का है। इंडिया, यूरोप एंड मैक्सिको में पाया जाता है। ड्रग अंडर क्लास वन पार्ट टू टिंचर फ्रॉम द फ्रेश फ्लावर से इसका टिंचर बनता है। मेंटल रिलीजियस मेलंकोली विद एन इंटेंसिटी एंड फेस इंटेंसिटी इन अर्ली स्टेजेस टू रिलीव द ब्रेन फ्रॉम प्रेशर एंड इरिटेशन। मतलब धार्मिक उन्माद, धार्मिक रिलीजियस मेलंकोली में धार्मिक पागलपन बोल सकते हो। चेहरा लाल, पहले चेहरा लाल होगा उसके बाद पागलपन होगा। मस्तिष्क को दबाने से और मस्तिष्क जब बहुत ज्यादा तेज उठा पटक करता है तो उसको रिलीफ मिलता है। एक कंजेशन रिलीव बाय हेमरेज, ये तो कंजेशन जो ब्लड का कंजेशन हो जाता है, ब्लड जमाट हो जाती है, वो जमाट अगर ब्लीडिंग होता है तो उसको राहत मिलता है। जो ब्लड वेसल्स है आपस में जाम जम जाता है, ऊपर से रक्त वाहिनी दिखते रहता है जैसे कि वेरिकोज वेन में होता है। बस ही वेरिकोज वेन तो इस पैर के पीछे वाले को वेरिकोज बोलते हैं, बोल के उसका वेरिकोज वेन नाम है, लेकिन वो कहीं दूसरे जगह भी होने से दिया जाता है। वायलेंट कंजेस्टिव और नर्वस हेडेक एपिस्टैक्सिस एफोर्ट रिलीफ, सिर में पूरा अत्यंत भारीपन, भयंकर रक्त जमावट के कारण न्यूरोलॉजिक पेन, नाक से अगर ब्लीडिंग होता है उसका हेडेक रिलीफ हो जाएगा। नाक से अगर ब्लीडिंग होता है तो हेडेक रिलीफ होता है। हर मेडिसिन का अपना अपना पिक्युलिटी अलग अलग है, सबको अपने एंगल से देखना चाहिए, सबको एक साथ मिलाना नहीं चाहिए। नोज ब्लीड प्रीसीड बाय इंटेंस रेडनेस, फ्लशिंग फेस एंड थ्रोबिक कैरोटाइड्स, माथे के जो कैरोटाइड आती है बहुत ज्यादा धड़कता है और नोज ब्लीड होता है, और ये कैरोटाइड आर्टरी में यहाँ पर धड़ 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 करते रहेगा, और खून अगर निकलता है नाक से तो उसको रिलीफ मिलेगा। फेस रेड फेस प्रीसीड्स हेमरेज इन एवरी ऑर्गन, सारे ऑर्गन से ब्लीडिंग जाना है, चेहरा एकदम लाल रहेगा। कॉन्स्टिपेशन डिफिकल्ट पेनफुल कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द एनस थ्रॉबिंग फुलनेस नो डिजायर टू अंटिल देयर इज ए लार्ज एमुलेशन, बहुत ज्यादा पेट में जब तक जमाट नहीं हो जाए उसका दस्त का इच्छा होता नहीं है, ये एलम में भी पाया जाता है। कन्वल्सन मिर्गी टाइप स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस चिल्ड्रेन ड्यूरिंग डेंटिशन बेरोडोना है, और ये मेलिलोटस सेल्वा है। इन्फेंटाइल स्पाजम एक्लेमेशन एपिलेप्सी, पूरा पैरों में हाथों में ऐठन वाली बीमारी देखा गया है। एग्रेवेशन अप्रोच ऑफ स्ट्रॉन्ग आंधी तूफान रेनी सीजन चेंजेबल ऑफ वेदर से ये प्रॉब्लम बढ़ता है। कंपेयर टू एमाइल नाइट्रोजन एंटी क्लॉट एंड एपिस्टैक्सिस आफ्टर हेडेक बट डज नॉट रिलीव, एंटीक्लूट एपिस्टैक्सिस से आफ्टर हेडेक बट देर इज नो रिलीफ। बेलोडोना ग्लोनाइन सेगोनिजा इन कंजेस्टिव हेडेक रेड फेस हॉट हेड एक्सेट्रा। व्हाट टू रिमेम्बर इन दिस सिंटम, कॉन्फ्रेंस सिंटम है एंगोजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स इन एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गन, कोई भी पार्ट में अगर ब्लड एंगोजमेंट है आप वेरिकोज वेन में भी यूज करके देखा जा सकता है। ठीक है, ये बहुत कम यूज होता है तो ट्राई, इसीलिए ट्राई करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.